हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा एक ग्लास बेसन है, इसी में ऐड करेंगे थोड़ा सा खड़ा जीरा। आप लोग देखते रहिए, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन, छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लेंगे। एक यूनिक सी रेसिपी है ना भाई लोग, इसे देखते रहिए। इसी में ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, इसी में ऐड करेंगे प्यारा सा चॉप किया हुआ बढ़िया अच्छे से प्याज, इसी में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसका एक बैटर बनाएंगे प्यारा सा, कम लग रहा है तो आप लोग और ऐड कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करिएगा एक स्पून की मदद से, अच्छे से बढ़िया। इसी में ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, जिसे आप लोग साल्ट बोलते हैं, इसे भी मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना आप लोग, ऐसे देखिए। इसका कुछ सीक्रेट है, इसमें गुठलियाँ ना रह जाएं, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। कुछ मेरा ऐसा हो गया है। अब इसी में ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्च और ऐड करेंगे। आप लोगों को तीखा पसंद है तब ऐड करिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। मुझे भाई बहुत तीखा पसंद है। देखिए कुछ ऐसा बैटर बन के रेडी है, कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर कितना चेंज हो गया है ना भाई। प्लीज़ आप लोग तब तक मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी में ऐड करेंगे थोड़ा सा बढ़िया कड़वा नमक, जो सिल पे पीसते हैं, ये भाई मेहनत का पीसा हुआ है। इसी में ऐड करेंगे थोड़ा सा बढ़िया तेल कड़वा, अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक तावा लेंगे, इसे अच्छे से गरम करेंगे, लोहे का तावा पे जरूर बनाइए आप लोग। देखिए ये बटर बन के रेडी है, मेरा प्यारा सा घोल जिसे बोलते हैं, इसी पे ऐड कर देंगे बढ़िया राउंड शेप में करते हुए, बहुत अच्छे से, बहुत हल्के हल्के हाथों इसे फैलाइएगा ऐसे। बड़ा छोटा आप लोग अपने मन पसंद कर सकते हैं। देखिए ये अच्छे से तावा छोड़ दिया है इसे, अब इसको पलट देंगे बढ़िया एक छन्नी की मदद से। भाई ये ऐसे बनने वाला नहीं है, बढ़िया अच्छे से आप लोग पलटिएगा वरना ये टूट जाएगा। देखिए वाव नाइस, कितना प्यारा लग रहा है ना दोस्तों, कमाल का एक यूनिक सी रेसिपी। सच में यार ये बहुत मस्त लगती है, रोज दाल चावल सब्जी रोटी खाते खाते बोर हो जाओ तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। आप लोग अपने बच्चों के टिफिन लंच में दे सकते हैं, बहुत मस्त लगता है और बहुत हेल्दी नाश्ता है, क्योंकि ये बेसन का है भाई, बहुत मस्त लगता है। आप लोग अपने हस्बैंड के लंच में दे सकते हैं बढ़िया अच्छे से, वो भी खुश हो जाएंगे। अब एक लेंगे प्लेट, बढ़िया इस पर ऐड कर दिए हैं, एक भाई बन के रेडी है, दूसरा मेरा ताए पे है, वो भी बहुत अच्छे से बनाएंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सारे मेरे चिल्ले। आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं तो इसे चिल्ला बोलती हूँ। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट में बताइएगा कैसा बना है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। हमेशा की तरह सिर्फ तीन चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।